श्री राजजी महाराज ने जितने भी तन धारण किए, धनी श्री देवचंद्र जी का, श्री इंद्रावती जी का, या बाद में अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए जो कि आत्म जागृति था, उसके लिए समस्त परमहंसों का, सदैव उनका उद्देश्य हमारी आत्म जागृति था। महाराज श्री अक्सर कहा करते थे, परमहंस राम रतन महाराज जी, कि अरे भाई, चमत्कार तो तांत्रिकों का काम होता है, संत के पास तो ज्ञान होता है। मैंने पूरे जीवन लगा के कुछ कमाया है, लेकिन सुंदर साथ उसमें रुचि नहीं रखता। जिस ज्ञान से जन्म जन्मांतर के दुख कष्ट चक्र छूट जाए, जिस ज्ञान को पाने के बाद फेर ये जो फेरे लगा रहे हैं ये लगाने ना पड़े, जिस ज्ञान को पाने के बाद हम ब्रह्मात्माओं को पल पल धनी के चरणों का सुख, धनी के स्नेह का सुख प्राप्त हो। सुंदर साहब जी, आज मैं महाराज श्री की बीतक शुरू करने जा रहा हूं। ये मेरा प्रथम प्रयास है। मैं बहुत छोटा हूं महाराज जी जैसे महान चरित्र की व्याख्या करने के लिए। मैं उनके बारे में कुछ भी कह दूं, वो कुछ ऐसा होगा कि सूर्य को दिया दिखाना। लेकिन मुझे ये महसूस हुआ कि हम सुंदर साथ बहुत सा एक बड़ा वर्ग है जो सुंदर साथ का, जो आज भी इस ब्रह्म लीला से अवगत नहीं है। ये तीन ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए ना हो सी कब, इन तीनों में ब्रह्म लीला भई ब्रज रास और जागनी कहे। ये जो ब्रज की लीला थी ये भी ब्रह्म की थी, ये जो रास की लीला थी वो भी ब्रह्म की थी, और इस जागनी रास में चाहे चौथा दिन धनी देवचंद्र जी का, पांचवा प्राणनाथ जी का, या छठा दिन मोमिनों में जितने भी परमहंसों में लीला हुई है, ये ब्रह्म की लीला है। ये ब्रह्म ही अपनी ब्रह्मात्माओं से खेला है। आज की बैठक की जो मैं शुरुआत करना चाहता हूं, मुझे रह रहे के तुलसीदास जी की रामचरितमानस का एक दोहा याद आ रहा है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, अक्षरातीत अनंत है और उनकी लीला उनकी कथा अनंत है। श्री राम रतन महाराज जी की भी लीला अनंत है और उनके प्रसंग अनंत है। कही सुनहिं बहुविधि सब संता, कई लोगों ने कहा है, कई लोगों ने सुना है, कई विध से सभी ब्रह्मात्माओं ने, मैं समझता हूं पूर्ण काल का तो नहीं कहता, लेकिन इस युग में, इस काल की में हमने जितने भी परमहंसों को जाना है, उसमें से परमहंस राम रतन महाराज जी को जिन जिन सुंदर साथ ने दर्शन किए हैं उसके बारे में वो प्रसंग सुनाए हैं, तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को बहुत ही लाभ हुआ है। उनकी जीवनी, उनकी रहनी ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। हम तो साहब धनी की सेवा करके माया की मनोकामना करने वाले साधारण सुंदर साथ हैं। ऐसी स्थिति थी मेरी करीबन 2004 या 5 तक। फिर मेरे हाथ लगी महाराज जी की जीवनी,
मैं रात को सोते समय, रात को दफ्तर से लेट आता था तो बेड टाइम स्टोरी की तरह से, बेड टाइम बुक की तरह से अपने पास रखता था और उसको रात को मेरा भाव होता था कुछ पढ़ के अच्छी लाइनें सो। मैंने उस जीवनी को शुरू किया और बुक के अंत होते होते मैं बदल गया। मेरा संसार को देखने का नजरिया, लोगों से बात करने का व्यवहार, जीवन की मनोकामनाएं, हर चीज बदल गई। क्योंकि परमहंसों को जानेंगे तो परमहंस बनेंगे। प्राणधार सुंदर साथ जी, बड़े ध्यान से इस बात को सुनिएगा। हम जिसकी भी संगत करते हैं, जो भी कुछ हम सुनते हैं, उससे हमारे हृदय में कुछ संस्कार पैदा होते हैं, कुछ इच्छाएं पैदा होती हैं। अगर हम परमहंसों को जानेंगे तो जीवन का वास्तविक सत्य पता लगेगा। नहीं तो आज हमारे रोल मॉडल्स क्या हो गए हैं? पॉलिटिशियंस हो गए हैं, हीरो हीरोइन हो गए हैं और जाने कौन कौन हो गए हैं। और वो क्या है? वो लोग खुद दुखी हैं। उन्होंने संसार के सत्य को नहीं जाना। कहते हैं एक साधारण मनुष्य जो रोज नौकरी पर जाता है, एक मेहनत करने वाला व्यक्ति जो अपनी दाल रोटी कमाता है, वो किसके आगे झुकता है? पूंजीपति के आगे। एक बिजनेसमैन के आगे जो उसे नौकरी दे रहा है, एक पूंजीपति किसके आगे झुकता है? बुद्धिजीवी के आगे, आईएएस आईपीएस जो बड़े बड़े पद अधिकारी होते हैं, जो पढ़ लिख के कुछ अच्छे औहदे पर पहुंचे होते हैं, व्यापारियों को हमेशा उनसे काम रहता है। बुद्धिजीवी किसके आगे झुकता है? सत्ताधारी के आगे। बड़े बड़े आईएएस आईपीएस और बड़े बड़े पदों पे जो होते हैं वो नेताओं के आगे झुकते हैं, मिनिस्टर्स के आगे, सत्ताधारियों के आगे। लेकिन सत्ताधारी किसके आगे झुकता है? सच्चे संत के आगे। जब से संसार बना है सदैव ऐसा ही चला है। हर सत्ताधारी, हर राजा किसी ना किसी गुरु के आगे झुकता है, क्योंकि केवल गुरु ही है जो आपको हर अवस्था में संकुल रहना सिखाता है। गुरु ही वो वृक्ष है जिसकी छांव में आने पर सड़ती धूप में भी शीतलता का अनुभव होता है। प्राणधार सुंदर साथ जी, जिस भी जीव या आत्मा ने गुरु के महत्व को नहीं समझा, वो इस खेल से बाहर निकल ही नहीं पाया। जीवन जीने का सही तरीका वे परमहंस या वाणी के माध्यम से श्रीराज हमें देते हैं, जिससे आप इन सब से बाहर हो जाते हैं। और सतयुग से लेके अब तक जितने भी ऋषिजन, मुनिजन, ज्ञानीजन, संत, महात्मा, गुरुजन हुए, वे सब केवल कल्पना ही कर सकते हैं उस आनंद का जो परमहंस राम रतन महाराज जी ने प्राप्त किया। क्योंकि ब्रह्म के बारे में जानना फिर भी एक बात है, थोड़ा बड़ा ज्यादा जिसने भी जाना होगा, ब्रह्म स्वरूप हो जाना अलग बात है। परमहंस राम रतन महाराज जी आप कुछ इस तरह से थे कि जिनकी श्वास श्वास में अक्षरातीत थे, जिनकी श्वास लेने और छोड़ने मात्र से ही सारा वातावरण अक्षरातीतमयी हो जाता था। उनके होते हुए ऐसा अनुभव होता था कि आप अक्षरातीत के सन्मुख हैं,
ऐसा एक नहीं, मुझे बहुत से सुंदर साथ ने, बड़े बुजुर्गों ने बताया कि वे साक्षात थे, वे साक्षात थे। मैं अगर उनका करोड़वां अंश भी बन पाया, जो वैराग्य उनके अंदर था, जो त्याग उनके अंदर था, जो आनंद उनके अंदर था, जो निर्विकारता उनके अंदर थी, जो सत्य उनके अंदर था, अगर मैं उसका करोड़वां अंश भी पा पाया तो मैं अपने जीवन को धन्य समझूं, क्योंकि वे वास्तविकता में माया से परे थे, रहित थे। क्योंकि सुंदर साहब जी, जीवन तो धूप और छाया है, ये बदलता रहेगा। हर अवस्था में आप आनंद में बने रहें, ऐसा परमहंस रामरतन महाराज जी ने करके दिखाया। मैंने जब से उनकी जीवनी को पढ़ा और जाना है, तब से मेरे हृदय में केवल एक ही मनोकामना थी कि मैं उन जैसी उपलब्धि कैसे प्राप्त कर सकूं। जब क्योंकि मुझसे गलती क्या हुई, मैंने जीवनी वहां से शुरू करी जहां पर उनको राज्य के दर्शन हो रहे हैं। महाराज जी लिखते हैं, दादा गुरु के लिए जो जो बतलाते गए साथ साथ दिखलाते गए। और मेरे दिल में दुख बना कि काश हमें भी ऐसे सदगुरु मिले होते जो जो परम धाम के बारे में बता रहे हैं वो दिखाते भी जाए। हमें तो इतनी मेहनत करनी पड़ रही है फिर भी कुछ नहीं बन रहा। तो श्री राज जी ने मेरे हृदय में उपजाया, अरे भाई जीवनी को जरा स्टार्टिंग से तो पढ़। सदगुरु तो हर युग में काबिल थे, हम ही काबिल नहीं थे। झंडू दत्त की तरह पात्र बन जाओ तो जो बताते जाओगे आपको भी दिखता जाएगा। तो सुंदर साहब जी, आज से लेके 30 दिन तक मैं आपको बताने वाला हूं अ जर्नी ऑफ ए रू, एक रू जो रू से राज बनी। क्योंकि प्रत्येक मुनि है ब्रह्म समान। आप अपने ट्रू पोटेंशियल को पाए, आप अपने वास्तविक स्वरूप को पाए, जैसा आप धाम में थे उसमें ये जर्नी हेल्प करेगी। महाराज जी तीनों फेजेस से होकर गुजरते हैं, जहां वो अपने आप को पूर्ण जीव रूप में भी प्राप्त करते हैं, दुखी सुखी हो रहे हैं और भय भी लगता है, चिंता भी लगती है। वहां से आत्म भाव में भी आएंगे, जहां वे अपने आप को कहते हैं कि अब झंडूदत्त पर आत्म भेजी, रतन भाई को प्रविष्ट किया। आत्म भाव में आएंगे और वहां से फिर अक्षरातीत हृदय में बैठकर अक्षरातीत लीला करेंगे और फिर एक दृश्य ऐसा भी आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि अब ना अंदर झंडूदत्त है ना रतन भाई है, सिर्फ श्रीराज रह जाएंगे। जो घर घर गए, सुंदर साख को सुख दिया, लाड दिया, आत्म जागृति के प्रवचन दिए, केवल स्पर्श मात्र से परम धाम के दर्शन कराए, वो सारी लीला किसकी है? वो स्वयं अक्षरातीत की है। लेकिन वो एक भय चिंता से में ग्रस्त एक जीव भाव से, आत्म भाव और आत्म भाव से स्वयं श्रीराज की जो जर्नी है वो कैसे उन्होंने तय करी, हम उसे जानेंगे तो हम अपने उस ट्रू पोटेंशियल को पा सकते हैं। पर्सनली मुझे महाराज जी ने जीना सिखाया कि कैसे जीना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे अच्छे और बुरे समय में एक जैसे संतुल रहना है। मेरे को महाराज जी का एक जो गुण सबसे अधिक प्रिय था वो था उनका गरीबी भाव, उनके अंदर की विनम्रता, डाउन टू अर्थ। और मैंने दिल से राज जी से चाहा भी, प्रयास भी किया कि किसी तरह ऐसा हो पाए। गरीबी भाव, डाउन टू अर्थ की वजह से ही आधा खेल खत्म हो जाता है सुंदर साहब जी, क्योंकि फिर कोई आदर से हार पहनाए या अपमान के शब्दों की लड़ी लगा दे। दुख और अपमान के भय से ही हम सारे जीवन दुखी रहते हैं, भयभीत रहते हैं। लेकिन महाराज जी उससे रहित हैं और मैं हमेशा से ऐसा चाहता था
तो श्री राज ने मुझे प्रेरणा दी कि भाई कठिन समय में, आपको पता है कोयला जब एक एक्सट्रीम टेम्परेचर और एक्सट्रीम प्रेशर में रहता है बहुत समय तक, तो वो ही हीरा बनता है। जो फॉसिल्स होते हैं, जो कोयला होता है, दैट ओनली कन्वर्ट्स इनटू डायमंड। तो महाराज श्री मुझे राज जी ने बताया कि महाराज जी का जैसा जीवन था, उस जीवन से होकर गुजरो तो तुम भी वैसे बन जाओगे। महाराज जी ने गरीबी देखी है, महाराज जी ने भूख देखी है। जब सब कुछ देकर आए और सब कुछ के ऊपर बैठा दिया गया, तो उसके बाद व्यक्ति बदल नहीं पाता। मुझे बड़ी खुशी है आज जितने भी सुंदर साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं महाराज जी की इस पीतक में, आप आज लगभग इस एक महीने में जानेंगे कि जिसको आत्म जागृति मिशन को हम जितना हल्का ले रहे थे, एक पिकनिक की तरह ले रहे थे, वो पिकनिक नहीं है। मिले जुले, बातें करी, गप्पे मारी, हंसे खेले, दो राज्य की बात करी, लंगर प्रसाद किया और घर गए, हो जाएगा काम। थोड़ी बहुत सेवा कर ली, थोड़ा बहुत दान कर दिया, काम बन जाएगा। महाराज जी की जीवनी से पता लगेगा कि इतना सरल नहीं है, हम जो कर रहे हैं वो कम है। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, महाराज जी की जीवनी के बाद आप खेल से, दुख से कुछ डरना कम हो जाएंगे। महाराज जी को इतने दुख संकट को देख कर आपको लगेगा कि वो इतने को सरवाइव कर सकते हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है। जैसे मैं आपको अपने एक एग्जांपल देता हूँ। एक बार मैं एक बैठक के लिए जा रहा था सुंदर साथ के यहाँ, तो उनके वहां बंदरों का बड़ा प्रकोप था। बड़े बड़े बंदर आते थे, हमला करते थे, काट भी लेते थे। तो एक बार मैं जिस घर में ही जाना था, वहीं पर बंदर आकर बैठ गए, चार पांच गेट पर। और अब मुझे लगा, अमित तूने दरवाजा खोला तो ये काटेंगे। गेट के ऊपर बैठे हुए, पूरी टीम बैठी हुई है। तो मैं चिंतित हो गया, अब उधर सुंदर साथ ऊपर वेट कर रहा है। तो दिल में क्या बात आती है, अरे महाराज जी शेर से नहीं डरे, सामने आदमखोर शेर आ जाता है। और महाराज जी दो निर्भय होकर निकल गए, तो तू इस बंदरों से डर रहा है ना सर पे राज्य महाराज। और मैं जैसे ही दरवाजे के पास गया, उससे पहले बंदर उठ के चले गए। आप उस चीज में तो हो, काल भी आपको रास्ता देगा कि पहले आप जाइए फिर मैं रास्ता, वो भी आपका रास्ता नहीं काटेगा। क्यों, 12 मोमिन नहीं गए थे, उनका तय था ना कि नहीं आए, आप आएंगे लौटकर। औरंगजेब छोड़ता ही नहीं था, जो मगर हिंदू नाम भी ले ले कुरान का, तो लेकिन काल ने भी उनको रास्ता दे दिया, प्रणाम किया कि नाम। तो ये निर्भयता आपके अंदर इस बीतक के माध्यम से आएगी, आपके अंदर विनम्रता आएगी, नम्रता आएगी। और मैं सही मायने में जीने का सही तरीका आप सीखेंगे। श्री जी साहेब की बीतक हमें बहुत कुछ देती है, लेकिन महाराज जी की जीवनी में ना एक चीज एक्स्ट्रा है, डिटेलिंग है, बहुत डिटेल में प्रसंग आए हुए हैं। एक एक प्रॉब्लम को और एक एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को, एक एक सिखापन को बहुत विस्तार में बताया है। क्योंकि महाराज श्री अभी उनको तन छोड़े, अंतर ध्यान हुए, 60-70 वर्ष हुए 1964 में उनका अंतर ध्यान हुआ। तो ये आपको उससे लाभ होगा। और परमहंस राम रतन महाराज जी की जो छोटे छोटे सिखापन है और इस युग की जो समस्याएं हैं, उस पर उन्होंने जो फोकस किया है, उससे आपको घर परिवार समाज खेल में कैसे रहना है और जागृत होकर कैसे इसे देखना है, उसमें आपको लाभ होगा। मैंने तो पहले बड़े बुजुर्गों के माध्यम से महाराज जी की बीतक सुनी जानी और फिर खुद मंथन किया।
सत्तो माता जी की एक ही लाइन मुझे जीवन में बड़े बड़े दुखों को पार करने में सहायता करती थी। वो कहती थी महाराज जी हर बात पे कहा करते थे, राज श्यामा जी की मर्जी, राज श्यामा जी की मर्जी, राज श्यामा जी की मर्जी। कहते थे उसकी मर्जी है तो ठीक है, मेरी मर्जी से नहीं हुआ जो ये हो रहा है। तो जीवन में मुझे भी कभी कोई कठिनाई का सामना करना पड़ा तो मैंने भी फिर महाराज जी को याद किया और कहा, राज श्यामा जी आपकी मर्जी से हो रहा है, मुझे मंजूर है, ये मेरा प्यार है, आपको जो मंजूर है मुझे मंजूर है। और यकीन मानिए आप अपने हिस्से का प्यार करके तो देखिए जीवन बदल जाएगा। आइए हम एक निष्ठ होकर एक अच्छी नियत के साथ आज महाराज जी की बीतक शुरू करते हैं और राज जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी की जीवनी को हम जाने और हम उन जैसे बन पाए। केवल हम इसे सुनेंगे नहीं, हाँ जैसे मैंने महाराज जी की जीवनी पढ़ी मैं चाहता हूं आप लोग भी ऐसे पढ़ें। जब मैंने महाराज जी की जीवनी पढ़ी और महाराज जी के सन्मुख शेर आया तो मुझे डर लग रहा था, मुझे ऐसा लगा मैं महाराज जी के साथ खड़ा हुआ हूं और गांव में कहीं का ये माहौल है और मैं महाराज जी को कह रहा था महाराज जी चलो शेर आ गया। ठीक है, तो ऐसे सुनेंगे जैसे हम महाराज जी के साथ हैं। आज मैंने बीतक करने से पहले जब बीतक का अध्ययन किया तो माता उनके पिता का धाम गमन हुआ, उनकी माता जी का धाम गमन हुआ तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो ऐसे अलाइव होकर पढ़ना सुनना है हमने, ऐसे डेड होकर नहीं। ठीक है, चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु चरण का आसरा, जगत जान का फूर, मन मूरख भरमा फिरे, चाटत क्यों जग धूल, चाटत क्यों जग धूल। प्राणधार सुंदर साहब जी, ये बीतक स्वयं परमहंस रामरतन महाराज श्री ने प्रताप जी के विनम्र निवेदन पर उनको दी। महाराज जी ने कहा कि भाई एक दिन का पूरा खाया हुआ उल्टी करने में कितनी ताकत लगती है, है? पूरी जान निकल जाती है, तू तो हमसे जिंदगी भर का उल्टी करवा रहा। लेकिन प्रताप जी ने कहा महाराज जी परमहंसों के ज्ञानी जनों की जीवनी से आने वाले सुंदर साथ को बहुत लाभ होगा, सिखापन मिलेगा, तो इसलिए ये तो आपको देनी ही होगी। तो ये स्वयं शब्द महाराज जी के हैं, जिसको ये जो पद के रूप में जो बांधा है वो प्रताप जी ने सेवा की है। ठीक है, और अब हम एक तरह से महाराज जी के मुख से खुद चर्चा सुनने जा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। एक एक शब्द मुझे समझ नहीं आता, ये महीना तो क्या ये मैं 4 साल में भी तक खत्म नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सोचा है कि एक महीने में जितना सुंदर साथ लाभ ले सके वो भी बहुत होगा। एक एक शब्द बहुमूल्य है, महापुरुषों की बात ही अलग होती है। क्या कह रहे हैं देखिए, सतगुरु चरण का आसरा। एक ब्रह्मात्मा किसी खेल से नहीं डरती, किसी दुख से नहीं डरती, किसी पीड़ा से नहीं डरती। क्यों? वो कहती है मुझे अपने चरण सतगुरु के चरणों का आसरा है, मुझे पता है वो बचा लेंगे। मैं आज भी मेरे सतगुरु सरकार साहब के अंतर ध्यान को हुए करीबन 23 साल हो गए और आज भी मैं उनको आवाज लगाता हूँ, रोता हूँ, बुलाता हूँ, परेशानी में वो आते हैं, आज मुझे समस्या से निकालते हैं। आज भी अगर अंधेरे में चला जाता हूँ, डरता हूँ, परेशान होता हूँ तो मेरा मार्गदर्शन करते हैं।
श्री राज ही सतगुरु होते हैं। सुंदर साहब जी स्वयं एक छोटे बच्चे की तरह बन जाए, जिसको जब भी कभी चोट लगती है, जब भी वो गिरता है, जब भी मास्टर उस पे हाथ उठाता है तो क्या बोलता, मम्मी हाँ ऐसे हो जाइए। जब भी दिल घबराए, परेशान हो, दुख हो, तकलीफ, सतगुरु की चाय याद आए, उनके चरणों को पकड़ लेना। मैं आपको एक और बात बताता हूं इस प्रसंग से। जीवन में ना कभी ऐसा भी एक समय आएगा जब मैं अपनी ही बात बताता हूं आपको, एक ऐसा समय आया जिस मुझे इतना कष्ट आया जीवन में, इतना दुख आया। दुख क्या होता है, हमारी नींद होती है, अज्ञानता ही होती है, हमारी अपेक्षाएं होती हैं। तो बहुत एक बड़ा दुख आया और मुझे ये बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा था कि इतना बड़ा मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। और उस दुख में इतना व्यक्ति टूट जाता है कभी कि लगता है पता नहीं राज्य भी है कि नहीं है, परमात्मा भी है कि नहीं है। अगर वो होता तो क्या मेरे साथ ऐसा अन्याय हो सकता था, क्या ऐसा अनर्थ हो सकता था। राज्य पे से भी विश्वास, क्योंकि मूल मिला हुआ है, परम धाम है, ठीक है। माया ऐसा हो सकता है आपको ऐसा घेर ले कि किसने देखा है परमधाम, किसने देखा है मूल मिलावा, क्या राज्य को भी देखा है, तो उन्हें माया घेर लेगी। दज्जाल करत कछु ऐसा, अंदर करे दखल, दोस्त को दुश्मन करे फिराए दे अकल, वो अंदर संशय पैदा करेगी, अरे भाई बेकार पागल जन्म ऐसे कर रहा है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना परमात्मा है, ना परमधाम, ना राज्य। तो दिल कहता है ठीक है ये नहीं हो सकते, ठीक है मैंने राज्य को नहीं देखा, लेकिन मैंने सतगुरु को तो देखा है। मेरा माया को काउंटर आंसर था ये। माया मुझे डराए जा रही थी, दबाए जा रही थी, भ्रम डाले जा रही थी, कुछ नहीं है। मैंने कहा ठीक है मैंने नहीं देखा, लेकिन सतगुरु को तो देखा है, सरकार साहब, परमहंस राम रतन महाराज जी। परमहंस या सदगुरु की उपाधि जिसको मिलती है वो ऐसे नहीं मिल जाती। ये दिव्य पुरुष जब कोई दिव्य लीलाएं करते हैं, अलौकिक लीलाएं करते हैं, तभी तो हम उनको ऐसा मानते हैं। तो जो उन्होंने अलौकिक लीलाएं करी, इससे एक बात तो सिद्ध होती है। ये बात किसको मैं कह रहा हूं, मैं माया को कह रहा हूं, अपने ईमान को कायम रखने के लिए उसको जवाब दे रहा हूं। मैंने कहा उनके हाथों अगर जितनी वो लीलाएं हुई, अलौकिक लीलाएं हुई, दिव्य लीलाएं हुई, इसका मतलब वो दिव्य पुरुष तो थे, ये तो तुझे मानना पड़ेगा माया। कहते हाँ ये बात तो सही बात है। कितने सुंदर साथ के मुख से सुन लिया कि भाई ऐसी ऐसी घटनाएं महाराज जी द्वारा होती थी, सरकार श्री द्वारा होती थी। अब अगर वे दिव्य पुरुष हैं तो दिव्य पुरुष का एक गुण तो होता है कि वो झूठ नहीं बोलता, तभी वो ऐसी लीला कर सकता है ना। अलौकिक लीला करने के लिए सत्यता तो संभव अनिवार्य है ना। और उन्होंने बोला राज जी है, उन्होंने बोला मूल मिलावा है तो है, उन्होंने कहा मैं वहां बैठा हूं तो मैं वहीं बैठा हूं मैं। और उसको ये इसीलिए चितवन में सदगुरु का ध्यान किया जाता है सबसे पहले, मूल मिलावे से भी पहले, क्योंकि तुमने वो नहीं देखा, इसको तो देखा है। और ये कह रहा है वो है तो आपका ईमान बढ़ जाता है। एक रॉकेट को ना पृथ्वी छोड़ने के लिए जरा ज्यादा फ्यूल चाहिए होता है, मुश्किल होता है। स्पेस में चलने के लिए कम फ्यूल चाहिए होता है। एक बार इस खेल को छोड़ना, झूठ को छोड़ना, इसको पार करने के लिए सदगुरु का अस्तित्व, व्यक्तित्व बहुत सहायक होता है। उनका स्वरूप आपको निर्विकार कर देता है। आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, जब भी हृदय में काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार सताए, आप एक बार सदगुरु का ध्यान कीजिएगा। ठीक है मूल मिलावे का मुश्किल है, तो अब आप करके देखिए, अगर आपको ऐसा अनुभव हो रहा है कि वे आपके सामने खड़े हैं, वो आपको देख रहे हैं, अब कीजिए क्रोध, अब कीजिए अहंकार, आप कर ही नहीं पाएंगे। अब कीजिए लोभ, आपका दिल तो कर रहा होगा ये सामने पड़ा हीरे की अंगूठी उठा लूं, दिख रहे सदगुरु, इतना मार मारेंगे ना, बना देंगे बंदा, नहीं 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 देखना ही नहीं। उनकी पर्सनैलिटी, उनका जो व्यक्तित्व होता है,
उनको देखने भर से ही आपकी माया झड़ जाती है, आपकी चिंताएं झड़ जाती है। इसीलिए सतगुरु चरण का सिरा, ये स्वयं परमहंस रामरतन महाराज जी हम सबको प्रेरणा दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं, भाई एक आसरा रखो तो सतगुरु का, बाकी सारे खंबे हिल जाएंगे। जिसके भरोसे जिंदगी चलाने की सोच रहे हो ना, सारे खंबे हिल जाएंगे, ये नहीं हिलेगा। हर रिश्ता जिंदगी में एक बार धोखा देता है। तुमने तो गीत गा लिया, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, और इसी जन्म में व्यक्ति छोड़ जाता है। और फिर पता लगता है आटे दाल का भाव की, जब खुद लेके आना पड़ता है। कोई फोन नंबर कोई एड्रेस देके नहीं जाता, अच्छा ज्यादा दिक्कत हो तो यहां कर लेना फोन, मैं ला दूंगा। अब वो गया तो अपने आप ही जीवन बिताना है। एक सुंदर साथ का, एक छोटा बच्चा था, मुझे फोन आया, मेरे ख्याल से 12वीं या कॉलेज का था। कहते मुझे एक बड़ी चिंता रोज सता रही है, मुझे ऐसा लगता है मेरे माता पिता गुजर गए तो वो मुझे बड़ा प्यार करते हैं, बड़ा सहारा मुझे साथ देते हैं, मुझे माँ की गोद में ही नींद आती है, और मैं अगर ये दोनों गुजर गए तो मुझे तो कुछ भी नहीं पता, दुनिया का नहीं पता, बैंकिंग का नहीं पता, इसका नहीं पता, तो मुझे चिंता सता रही है रोज, ये चले गए तो कैसे होगा, आप उपाय बताएं। तो मैंने कहा देखो कहानियों में ही अच्छा लगता है, डूबते को तिनके का सहारा, तिनका साथ डूब जाता, लेके सहारा मजबूत रखो ताकि डर ना सताए। तुम्हारा, तुम्हें खुद को पता है कि तुम जिस सहारे बैठे हो वो धोखा देगा। अगर आप अपनी इस परेशानी का हल चाहते हैं तो सदगुरु के चरणों को पकड़ लो, उसका वादा है तुम्हारे जीवन के अंत तक और उसके बाद भी तुम्हारा साथ देगा, फिर उसको डर नहीं सताया उसके बाद से। जब आप प्रेम और स्नेह के लिए धनी की तरफ मुड़ते हैं, सदगुरु की तरफ मुड़ते हैं, जब हर चीज आप संसार पे, परिवार पे या किसी भी व्यक्ति पे, हो सकता है मेरा ये मित्र बहुत अच्छा है, ये मेरा रिश्तेदार बहुत अच्छा है, मेरा ये अड़ोसी पड़ोसी, मेरे सिर्फ परिवार पे नहीं जाने किन किन चीजों पे डिपेंड हो जाते हैं, मेरा बैंक बैलेंस बहुत अच्छा है। कोरोना काल में एक सुंदर साथ के कोई जानकार थे, वो 200 करोड़ की के मालिक थे और 1 करोड़ गाड़ी में लेकर घूम रहे हैं, लेकिन उनको एडमिशन नहीं मिल रहा किसी हॉस्पिटल में। हार के उन्हें सुंदर साथ की शरण में आना पड़ा और सुंदर साथ ने ही उनका कहीं एडमिशन कराया सदगुरु मई कृपा से। कह रहे भाई मुझे तो कोई पॉलिटिशियन नहीं जानता, राज्य जानते हैं, उसकी महिमा से ही हो गया काम, उनका एडमिशन हो गया। तो थोड़ा सा समय कठिन आता है तो पता लगता है कि कोई साथ नहीं देगा सिवाय श्री राज के। एक चरण पकड़ो सिर्फ सदगुरु के। आगे क्या कहते हैं हम, देखिए ना महापुरुषों की बात में कितनी बात होती है। सतगुरु चरण का सिरा, जगत जान काफूर, इस जगत को काफूर जान, मिट जाने वाला जान, मिथ्या मान, मुझे मिल गए सतगुरु के चरण, अब इस दुनिया को तू ले ले, मिले न मिले कोई खुशियां, हम धनी चरणों में खेले, मुझे सतगुरु के चरणों का आसरा मिल गया, अब दुनिया मिले ना मिले कोई चिंता नहीं, माया तू छीन ले मुझसे जो छीन सकती है, अब मैं केवल धन सतगुरु के चरणों के, श्रीराज के चरणों की। मैंने आपको बताया ये एक है और सच्चा सतगुरु ही वही है जो आपको मूल से जोड़े, जो खुद से जोड़े वो कभी सतगुरु नहीं है। क्योंकि सतगुरु की परिभाषा ये है ना, जैसे कोई गणित का गुरु है, कोई अंग्रेजी का गुरु है, कोई विज्ञान का गुरु है। सतगुरु किसे कहा है, जो सत्य का ज्ञान दे, जो सत्य से जोड़े। सत्य क्या है, मूल मिलावा है, सत्य क्या है, श्रीराज है। तो स्वयं श्रीराज ही सतगुरु रूप में आकर हमें पहले इस तन के माध्यम से समझाते और फिर मूल, अपने मूल स्वरूप के उसमें ले जाते हैं।
तो जिसको सदगुरु के चरण मिल जाते हैं वो कहते हैं बाकी अब संसार मिले ना मिले कोई चिंता नहीं, मैं इन चरणों में उसकी सान्निध्यता में बहुत सब कुछ पा लिया, बहुत कम में बहुत अच्छा सुख मिलता है। यकीन ना आए तो श्री जी के साथ चलते मोमिनों का हाल कभी पूछिएगा, पूछे लालदास जी से कैसा लग रहा है भाई, कहां सेठ साहूकार थे पूरे क्षेत्र के पूरे राज्य के, और कहां अब अपनी झोली उठा के भिक्षा मांगनी पड़ रही है, भिक्षाम देही, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। भिक्षा लेकर जब श्री जी के चरणों में जाता हूँ, उनके साथ भोजन प्रसाद पाता हूँ, तो मुझे सोने चांदी में खाया हुआ खाना जो है 56 व्यंजन इतने अच्छे नहीं लगते जितनी सूखी रोटी और दाल अच्छी लग रही है। ये कुछ जादू होता है उनमें। नित नवतन लीला, नित नवतन आनंद बढ़ता जाता है, क्योंकि जितना तुम सदगुरु का सानिध्य करते हो उतना तुम उस जैसे बनते जाते हो, जितना उन जैसे बनते जाते हो उतना इस माया से खेल से उठते जाते हो, जितना तुम यहां से उठते जाते हो उतना तुम परमधाम में विचरण करते हो, तो बदल जाता है सब कुछ। तो सदगुरु चरण का आसरा जगत जान काफूर, मन मूरख भरमा फिरे। महाराज जी कह रहे हैं भाई ये मन तो मूरख है जो ये बेवजह भरम रहा है, भटक रहा है यहां वहां, चाटत क्यों जग धूल, क्या कर रहे हैं हम जग की धूल चाट रहे हैं, मिट्टी फाक रहे हैं। और मन के चलते चल हाथ लग गए तुम, मन के मते ना चालिए मन के मते अनेक, इस मन के तुम हाथ लग गए और ये भरमा रहा है यहां सुख है यहां सुख है यहां सुख, कहीं सुख नहीं। जहां सदगुरु उंगली कर रहे हैं ना वहां उस जहां इशारा कर रहे हैं उस तरफ हो जाओ वहीं सुख है। सच्चा सुख तो सत्य लोक में ही है, दिव्यपुर धाम परम धाम में है। सच्चा सुख आत्म जागृति में है। महाराज श्री शेरपुर में भी ध्यान किया करते थे और ध्यान करके हमें प्रेरणा देते थे कि ध्यान बैठो करो देखो क्या आनंद है। परम जिज्ञासु भक्त थे श्री राम रतन महाराज। हमें क्या बनना है, लाइन पकड़ लीजिए ध्यान से सुनिए, क्या बनना है? परम जिज्ञासु। इसके विपरीत हम क्या बने हुए, हमें सब पता है, और हमें दुनिया का पता, हमने ये पढ़ा हुआ है, हमें दुनिया देखी है, तुम्हें सब पता है, दरवाजा बंद कर दिया, अब ग्रोथ नहीं हो सकती, हमें सब जान लिया, जानने वाला यहां खत्म हो गया, मुझे कुछ नहीं पता ये उम्मीद है, इसमें कुछ पा लेंगे आप। मुझे धनी कुछ नहीं पता, इंद्रावती जी कह रही है धनी हवे नथी ओलखिया, मुझे कुछ नहीं पता, हमें कह रहे हैं सब कुछ पता है, हमें अपना भला बुरा पता, हमें पता है जी, हमें चिंता, हमें ना बताओ, नहीं पता भाई, धनी से जानो क्या भला बुरा। तो हमें कैसा, देखिए हमें क्या बनना है, प्राणाधार सुंदर साहब जी इस बीतक के माध्यम से हमें झंडूदत्त बनना है। झंडूदत्त कौन है, खाली है, झंडूदत्त क्या है, उत्तम पात्र है, अति उत्तम पात्र है, जिसमें जैसे ही सदगुरु के शब्द वाणी के शब्द जाएंगे वो फूल खिल जाएंगे, जैसे ही वो बीज पड़ेंगे अंकुरित हो जाएंगे। अभी क्या हो रखे हैं, पत्थर जमीन हुए हुए हैं, तो बीज जाते तो है वाणी के फूटते ही नहीं है, अंकुरित ही नहीं हो रहे। हमें बनना है झंडूदत्त, बिल्कुल उपजाऊ मिट्टी, जो हम वैसे बन गए तो जैसे जैसे परमधाम के वाणी के बीज जाएंगे, परिक्रमा जाएगी तो परमधाम नजर आएगा, श्रृंगार जाएगा ग्रंथ परम युगल स्वरूप नजर आएगा, सागर जाएगा तो हृदय के सारे अंग नजर आएंगे राज जी के, खिलवत जाएगा तो ईश्वरवत नजर आएगा, रास जब अंदर जाएगी तो रास नजर आएगी। तो हमें क्या बनना है झंडूदत्त, तो सीखिए क्या बन क्या क्या वो उनमें क्या क्या गुण है। सबसे इंपॉर्टेंट गुण हमें क्या होना चाहिए, जिज्ञासु, सदैव झुकना सीखिए। महाराज श्री जहां भी किसी के अंदर थोड़ी सी भी विद्वता देखते हैं, किसी के अंदर भी तप त्याग देखते हैं, एकदम उनके चरण पकड़ लेते हैं। एक बार शेरपुर में ही महाराज जी ने कहा भाई हमें सदगुरु की याद आ रही है, तो सुंदर साहब ने सोचा भाई लगता है दादा गुरु की याद आ रही है उनको, कहते ठीक है महाराज जी टिकट करा लेते हैं सोनगिरी चलते, कहते नहीं नहीं बड़े गुरु की, सबसे बड़े गुरु की याद आ रही है, मूल। और उनके मूल कौन थे पता है,
गोपालमणि जी, गोपालमणि जी, ये जो लंगोटधारियों की, ये जो परमहंसों की वो चली है, वहां से चली है। गोपालमणि जी के शिष्य थे बाबा बूढ़ा, बाबा बूढ़ा के एक और शिष्य थे, और फिर उनके शिष्य थे राम दादा गुरु, और दादा गुरु के शिष्य थे परमहंस राम रतन महाराज जी। तो कहते ठीक है चलते हैं, और सुंदर साथ लेकर गए महाराज जी को। हाँ, राज नारायण जी, दादा गुरु का नाम राज नारायण जी, और राज नारायण जी की तो लेकर गए सुंदर साथ। अब गोपालमणि जी का स्थान कहाँ पर है? फूलपुर भैया। वहां गए और वहां जाते उन्होंने पूछा कि इस समय यहाँ गद्दी पर कौन विराजमान है? किसने पूछा? बड़े महाराज जी ने। वहां पे इस वक्त इस गद्दी पर कौन बैठा हुआ है? गोपालमणि जी की गद्दी पर। उन्होंने कहा जो सामने बैठे ये बैठे हैं इस टाइम गद्दी पर। तो मुझे सुंदर साथ ने बताया कि सामने कीचड़ था, मिट्टी कीचड़ हो रखी थी, और महाराज जी ने श्वेत धोती कुर्ता पहना हुआ था, वो उसी में लेट गए और उनके चरणों को अपने शीश से लगा लिया। और ऐसा उन्होंने एक मिनट नहीं, दो मिनट नहीं, पांच मिनट तक रखा, लगा के रखा, और पैर उठे। झुकना सीखिए, जिज्ञासु बनिए, जहां से जो भी अच्छी जागृत बात मिली उसे लीजिए। जिज्ञासा होने, जिज्ञासा ही तो नहीं है, भूख नहीं है इसलिए रोटी में स्वाद नहीं आ रहा, आप जानना ही नहीं चाहते परम धाम के बारे में। नहीं तो अगर दिल में पीस होती, प्यास होती, तो धनी के सुख ना देते परम धाम के। आप जानना ही नहीं चाहते श्री राज जी कैसे दिखते हैं, श्री श्यामा जी कैसे दिखती हैं। आपको अपने संसार के काम से मतलब है, बस मेरा काम किससे निकलता है वो चुपाई बताइए, वो पाठ बताइए, वो चीज बताइए, मेरे दुख कैसे दूर हो, परेशानी कैसे दूर हो, बच्चे की नौकरी कैसे लगे, शादी कैसे हो, ये सब बातें जाननी है। जो आपके अंदर महाराज जी की तरह जिज्ञासा हो तो सब जान जाएंगे श्री राज जी का स्वरूप, श्रृंगार, लीला, परम धाम और अपने आप को। परम जिज्ञासु भक्त थे श्री राम रतन महाराज, जगह जगह पर पूछते मिले प्राणों के कहां मिले। धनी मैं तो को ढूंढया, छोड़ धंधा सब, हमें तो बड़े धंधे हैं, बड़े काम हैं हम, लेकिन परमहंस राम रतन महाराज जी को, श्री इंद्रावती जी को कुछ और नहीं सोचता था। क्या करा उन्होंने? अपना प्राणाधार सुंदर साहब जी जीवन लगा दिया, जगह जगह पर पूछते कहां मिलेंगे मेरे प्राणों के ना। उन्होंने अपना जीवन इसमें लगा दिया, ना भूख देखी, ना प्यास देखी, ना घर देखा, ना परिवार देखा, ना कुछ भी नहीं देखा। हमें पहले अरे भाई पहले पढ़ाई तो कर ले, पहले नौकरी तो कर ले, पहले दो पैसे जोड़ तो ले, अरे पहले परिवार को तो सेट कर ले। सुंदर साथ कहता है अरे बस बच्चों की शादी कर दे अमित जी, फिर लग रहे हैं ना राज्य में। और मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, शादी करने के बाद भी वो राज्य में नहीं लगे, क्योंकि जिसको नहीं लगना उसने कभी नहीं लगना। हम पढ़ाई तो कर ले, हम नौकरी तो कर ले, व्यापार तो सेट कर ले, बच्चों को तो सेट कर ले, तो तुम्हारा जीवन उसी में ही जाना है फिर। क्योंकि जो ये जो गुण होते हैं ना, ये छोटी अवस्था से होते हैं, ये पौध जल्दी लग, कम उम्र में लगती तो आगे चल के वृक्ष बनती है। जो भी संस्कार के बीज आप बो रहे हो आज, कल को वही वृक्ष बन जाएगा। अब आपने बीज ही बोए माया के, आपकी हाई प्रायोरिटी में राज्य था ही नहीं, महाराज जी की मिथा तो उन्होंने पा लिया। मैं 40 वर्ष का हो गया, आज तक राज्य नहीं मिले, उन्होंने उनको मिल गए। कारण क्या है? मैं फोकस नहीं हूं ना। इंद्रावती जी को मिल गए, देवचंद्र जी को मिल गए, क्योंकि उन्हें चाहिए थे ना। तुम रोना नहीं कभी अपनी माया के दुखों के लिए, तुम कभी परेशान ना होना अपनी परिस्थिति के लिए, क्योंकि तुम ध्यान से सोचना जो तुम चाहते थे तुमने वही पाया है। लेकिन बस गलती कहां हुई? दिशा निर्देश सही ना होने के कारण तुमने माया चाही और दुख पाया। तुम वही खड़े हो जहां तुम होना चाहते थे। तुम ध्यान से देखो, कभी बिना वजह अपने परिवार को, संसार को, परिस्थितियों को गलत
गलत ठहराने की कोशिश ना करो कि इसकी गलती है उसकी गलती है, नहीं किसी की गलती नहीं है। तुमने जो चाहा, देवचंद्र जी ने जो चाहा वो पाया कि नहीं पाया, इंद्रावती जी ने जो चाहा वो पाया, महाराज जी पा रहे, जो ढूंढ रहा है वो पा लेगा। तुमने कभी ढूंढा ही नहीं इसलिए कभी राज्य मिले नहीं, जो देखना चाह रहा है वो देख लेगा। तुमने कभी देखना ही नहीं चाहा श्री राज जी को, तुम्हें लगा ही नहीं क्यों मेरे पति हैं, मुझे उनको देखना चाहिए, उनका चेहरा कैसे, वो तड़प नहीं बनी तो कभी पाया नहीं। सेवा भक्ति और नम्रता से मिले सतगुरु महाराज। क्या बात, ये एक 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 चरण में इतना सब कुछ है, ये बीतक नहीं हो सकती। मुझे लगता है आज ही कर देनी चाहिए पूर्णाहुति, ये संभव नहीं है भाई महीने में तो कैसे। अब मैं छोड़ता हूँ तो गुनहगार बनता हूँ, और अगर पूरा लेता हूँ तो सुंदर साहब का कल मैसेज आने लग जाएंगे, अरे भाई ऐसे कैसे आगे चलेगी बीतक। आपने तो एक पन्ना भी कवर नहीं किया, तो भाई जिसने पन्ने कवर करने वो खुद पढ़ ले, ठीक है, कल से बैठक में ना आए, क्योंकि मेरे को गुनाह लगेगा अगर मैं इन चरणों को छोड़ दूंगा। तो आप खुद घर में पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा मेरा जो कर्तव्य जो मेरे धनी ने मेरे सर पे डाला है, उन एक एक शब्द का मर्म आप तक पहुंचना, क्या बात, क्योंकि क्या बोल दिया महाराज जी ने इसमें, देखिए ना सुनिए क्या कहते हैं। तीन गुण है, तीन गुणों से सदगुरु मिलेंगे और तीन गुणों से श्री राज जी मिलेंगे। कागज कॉपी लीजिए, नोट कर लीजिए अगर आप वाकई पाना चाहते हैं। क्या क्या बताया, सेवा भक्ति और नम्रता से मिले सतगुरु महाराज। पहले सेवा, सेवा का गुण है नहीं, पाना चाहते राज्य को। मंदिर आएंगे महंगी साड़ी पहन के आएंगे, पोछा लगाने में खराब हो जाएगी। हम मंदिर आश्रम सुंदर साथ की यहाँ पाठ पर ऐसे आते हैं जैसे विवाह में आए हो, सज धज के। पूरी कोशिश ये है कि सब हमें देखें। और सूफी कलाम क्या कहता है, छाप तिलक सब लीनी ते मुँह से नैना मिलाए के। मैंने जब से नैना मिलाए उसके बाद मेरा शोभा श्रृंगार सब छिन गया, मैं खुद को भूल गई, किसी और को क्या बताऊं कि मैं कौन हूं क्या हूं। सेवा, अगर आप वाकई में आत्म जागृति को लेकर सीरियस है, देखिए मैं जो एड्रेस कर रहा हूं ना, मैं मेजॉरिटी को एड्रेस नहीं कर रहा, नाना करते हुए भी ऐसा माना जाता है प्रणामी समाज 40-1 लाख का है, मैं उसको एड्रेस कर ही नहीं रहा। मैं समझता हूं कि हम सब में से कुछ ही ब्रह्मात्माएं, जो मोटा मोटा 1 लाख में समझता हूं क्वालिटी सुंदर साथ है, जो वाकई जिसका उद्देश्य है प्राप्त करना, तो जो पाना चाहता है, मैं सिर्फ उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसका उद्देश्य श्री राज जी को पाना या आत्म जागृति के अलावा कुछ और भी है, मेरी उसे प्रणाम है। मैं उसको संतुष्ट कर ही नहीं पाऊंगा, मैं उसके लिए कुछ नहीं बोलना चाहता। लेकिन जो पाना चाहते हो तो पहला गुण लिख लीजिए अपनी कॉपी में, सेवा। अगर मोमिन अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ छाड़ कर, रिश्तेदारों को छोड़ छाड़ कर श्री जी के साथ चलना मंजूर कर सकते हैं और पन्ना दरबार में दिन रात सेवा में तत्पर है, तब जाके कुछ प्राप्त कर रहे हैं। हमारे ही बच्चों के पेपर नहीं है, उनके भी बच्चे थे, उनका भी भविष्य होगा ना। हमारे ही, हम ही अलग नहीं है, सब गृहस्थी थे, श्री जी के साथ सब सन्यासी नहीं चले थे। छत्रसाल महाराज जी भी गृहस्थी थे ना, सब घर परिवार में रहते हुए किया ना उन्होंने। तो अगर वो सब कुछ छोड़कर जा सकते हैं तो हम क्या आवाज लगने पर सेवा के लिए भी नहीं खड़े हो सकते।
इस जागनी मिशन के लिए जब जहां जैसे सेवा का अवसर मिले, जहां आवाज लगे पहुंचिए ना। अगर कुछ पाना चाहते हैं आप आज से आप अपने आप को समझिए, मैं कौन हूं? मैं सिर्फ एक सेवादार हूं। मेरा वजूद, मेरी जीने की वजह क्या है? सेवा। आई एम हेयर टू सर्व यू श्रीराज। अब ये तन आपका हुआ, मेरा तन, मेरा धन, मेरा मन सब आपका हो, जहां चाहो वहां लगाओ। जहां बोलोगे, जहां खड़ी हूं मैं बस। और सेवा धर्म सरल नहीं है। गुरु बनना सरल है, मुश्किल बनना दास। दास बना तब जाइए जब हट रहे ना मास। सेवा धर्म सरल नहीं है, मैं आपको आज ही बता रहा हूं। बढ़ने से पहले सोच लीजिए, चाहत करने से पहले सोचिए। आप सेवा करेंगे, आप पोछा मारेंगे और आपको घर वाले डंडे मारेंगे। खाने की हिम्मत है तो सेवा धर्म में कदम रखिएगा। आप कहेंगे आप तो अपनी तरफ से बोल रहे हैं, मैं आपको बताता हूं ना, 12 मोमिनों में जो गए पैगाम देने के लिए कितनी बड़ी सेवा थी। और लेकिन उसमें से एक सुंदर साथ के परिवार वाले क्या कह रहे हैं? भाई पैसा लो, इसे मरवा दो, इसने हमारी नाक कटा दी। हिंदुओं के, मुसलमानों के भेष में दिख गए। लेकिन धनी देवचंद्र जी के पिताजी मत्तू मेहता रोज प्रसादी देते थे उनको, नहीं देते थे? अरे देवचंद्र, एक दिन तो सुक्का दिखा देता। 40 वर्ष का हो गया, आज दिन तक तेरा खर्चा उठाता हूँ, तेरे बीवी बच्चों का खर्चा उठाता हूँ, सबका करता हूँ। मेरे लिए तो तूने कभी कुछ किया ही नहीं, अपने लिए भी कभी कुछ नहीं किया, सब कुछ करता रहा मैं तेरे लिए। इतना वृद्ध होने के बाद भी मुझे आज भी काम करना पड़ता सिवाय सिर्फ तेरी वजह से। क्या नहीं बोलते थे वो? लेकिन एक आत्मा के हृदय में पीड़ा होती है, उसको अंदर खिंच पड़ती है। जहां से वो टूटी है ना, वो वहां जुड़ने के लिए उसके हाथ में नहीं होता, वो सुन ही नहीं पाता। तो सेवा धर्म कठिन है, लेकिन अगर राज्य पाने हैं। धनी देवचंद्र जी घर से निकल गए 16 वर्ष की आयु में, महाराज जी भी निकल जाएंगे 16 वर्ष की आयु में, बाल्य अवस्था में राज्य को पाने के लिए वो सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं। लालदास जी ने कैसे घर बनाया श्री जी के हृदय में, कि महामती का खिताब ही दे दिया सेवा के बल पर ही। तो नहीं लिखा पाती में श्री जी साहिब ने कि भाई लालदास मोमिनो तुमने मुझे खरीद लिया सेवा के बल। ठीक है, दूसरा भक्ति। भक्ति विहीन जीवन जीवन जीने लायक ही नहीं, पशुतुल्य है। अगर आपके हृदय में भक्ति नहीं है, अगर आपका मन, भक्ति किसे कहते हैं? भक्त किसे कहते हैं? जिसका मन सदैव उसके इष्ट के इर्द गिर्द घूमता रहता है। ध्यान से समझ लीजिएगा, किसे भक्त कहते हैं? जिसका मन केवल अपने इष्ट की सेवा, प्रेम और स्नेह पाने के लिए भागता रहता है 24 घंटे। भक्ति 1 घंटे की नहीं होती जब वाणी पढ़ रहे हैं, भक्ति 1 घंटे की नहीं होती जब आप सेवा कर वो मंदिर आए हुए हैं, पाठ पढ़ रहे हैं सुंदर साथ के बीच में। भक्ति 24 आवर्स की होती है। आप कहीं भी होंगे उसी में होंगे, आप किसी से भी मिलेंगे आप उसी में होंगे, उसी से मिल रहे होंगे। कोई आकर फूलों की माला पहनाया जाएगा और तो भी आप कहोगे अरे वाह राजी महाराज, आज क्या बात है, बड़ा प्यार आ रहा है, फूल लेकर गए हो। और कोई अपमान करके जाएगा तो भी आप उसी से बात करोगे, महाराज जी महाराज क्या बात है, आज अच्छे से सफाई करके गए हो, नहाने ला धुला कर गए हो, क्या हुआ हाँ? आज सारा दिन ही कोई डांट रहा है, अरे क्या बात है राज जी महाराज, आज बड़े आज खूब रगड़ पट्टी हो रही है मेरी, चलो जरूरी होगी, तुम जो करते हो सही करते हो, वो वहीं जुड़ा रहेगा। कोई आपको आके कहेगा हम तेरे बिना मर जाएंगे, क्या बात है राज्य राज मर जाओगे हमारे बिना, कोई नहीं है सामने, भक्त का मन वहीं रहता है। हुँ?
आपको कहीं फंक्शन में जाना, नया ड्रेस लेना था, आपने अपने पति से, पत्नी से या माता पिता से बोला, उन्होंने मना कर दिया, झड़क दिया, नहीं कोई पैसे नहीं मिलेंगे, कोई पैसे वैसे नहीं है, क्या बात है रंजन, आप नहीं चाहते मैं तैयार होकर जाऊं, नहीं जाती। वही वो है भाग जो कहीं होते हुए भी बस वही होता है। और जैसे बड़े महाराज जी के लिए भक्त शब्द आया ना, ये जो भक्त होते हैं ना, जो सच्चे भक्त होते हैं प्राणाधार सुंदर साहब जी, ये चलते फिरते तीरथ होते हैं, ये तीर्थंकर कहलाते हैं। इनके दर्शन मात्र से ऐसा लगता है कि आपने तीरथ कर लिया हुआ है। जो सच्चा भक्त होता है उसको देखते ही आपको उसके इष्ट की याद आती है। वो बनो जिसे देखते ही राज्य की याद आए, आपके बोलने में, आपके व्यक्तित्व में, आपके आचरण में, आपके पहनावे में, वो भक्त हो जिसको देखते ही, आपको देखते ही किसी की याद, उसको आपके इष्ट की याद आए, वो होता है भक्त। मीरा को बोलते ही कृष्ण की याद आएगी आपको, तुलसी नाम लेते ही आपको राम की याद आएगी, वो होता है भक्त। हम नहीं, गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना राम, माया में गए तो हे हे हे, अरे बहन जी ये तो है ही ना, दुनिया है, बात तो करनी ही पड़ती है। माया हैरान हो जाती, मैं इसे ठगने आई थी, ये तो मुझे ही ठग रही है, ये तो मेरे से भी अच्छी माया की बातें कर रही है, ये तो करना ही पड़ता है ना, दुनिया में रहना है तो। रूहों ने किसी के कर्जा देना था ये बात करके आए थे। वो भक्त राज तो खूटी पे टंगा होता, बेचारा दिख ही नहीं रहा होता। एक बार एक राजा ने अपने राजकुमार को सुधारने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन वह जो है अब क्या कहते हैं, अपनी प्रेमिका से संबंध छोड़ ही नहीं रहा था। वो जो प्रेमिका थी वो थोड़ी दुष्ट थी, तो कई बार समझाने के बाद भी जब राजा की बात नहीं मानी राजकुमार ने, तो उन्होंने सख्ती कर दी कि जिस दिन मैंने तुम्हें उसके साथ देख लिया तो उस दिन से तुम्हें राजपाट से मैं निकाल दूंगा। ठीक है, तो अब वो छुप छुप के प्रेम संवाद करने लगा, रोज रोज बहाने करने लगा दरबार में ना आने का और अपनी प्रेमिका से मिलने लगा। राजा ने एक दिन पूछा, भाई राजकुमार नहीं आया आज दरबार में, कहते उनको ज्वर है। कल पूछा, अगले दिन पूछा, करे आज भी ज्वर है। तीसरे दिन राजा ने कहा, जाकर मैं देखता हूँ भाई, वाकई बच्चे की तबीयत ज्यादा ही खराब लग रही है, तीन दिन से नहीं आया। तो गुप्तचरों ने पहले बता दिया, राजा साहब आने वाले हैं, फटाफट निकलो। उसकी जो राजकुमार की प्रेमिका है वो भागते हुए जा ही रही थी, इतने में राजा आ गया। अरे चलो कोई बात नहीं, अंदर गए, बेटा लेटा वैसे हा करके, कह रहे बेटा तबीयत कैसी है? कहते पिताजी ज्वर ने बस अभी अभी मुझे छोड़ा है, अब मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। ज्वर मतलब होता है बुखार। कह रहे हाँ, मैंने अभी भागते हुए बाहर देखा ज्वर को। ऐसी हमें ज्वर लगा हुआ है माया का। राज्य के आते एकदम ठीक ठीक हो जाते हैं, राशावाजी राशावाजी। और माया में राज्य कहते हैं वही रूह है जो हमने भेजी थी श्यामा जी, इनकी बातें सुनो, इनकी हालत देखो, इनकी मैं तो इसलिए पर्सनली कभी शादी में जाना नहीं पसंद करता सुंदर साहब की, क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं गंदे संदे पसीनों में सने हुए सुंदर साहब सेवा करते, झाड़ू पोछा करते हुए। वहां जब वो मेकअप करके, मैं तो डर जाता हूं, वो पोशाक वो मैं कहीं वही है। और कोई एज लिमिट नहीं, मतलब नौजवान करते हो तो फिर एक बार को समझ में आता है, 40, 50, 60 हे राज्य महाराज, ऐसे हो रही है आत्म जागृति, ये मिलेंगे इनको मिलेंगे राज्य महाराज। वो मोमिन फकीरी भेष में चीरक वस्त्र में गए श्री जी के साथ, और आप हमारा पहनावा देख लेना शादी ब्याहों में फंक्शनों में सुंदर साथ का, तो आप आंखें नीचे करने पे मजबूर हो जाए। और हमें ये गलत फहमी है कि हम ऐसे राज्य मिलेंगे, हम क्या कर रहे हो सुंदर साथ जी, किसे कहते हैं? क्या अक्षरातीत को जरूरी होगा तभी तो
मोमिनों को चिरक वस्त्र धारण कराए ना, बिकॉज वो चाहते हैं कि भूल जाओ आप इस आइडेंटिटी को, भूल जाओ इसका श्रृंगार, इसकी लीपा पोती। सरकार साहब जब मूड में होते थे गजब चर्चा करते थे, कह रहे लगाते रहो मिट्टियों पे मिट्टी। वो क्या क्या लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, फाउंडेशन लगाते हैं, मुझे पूरा नाम भी नहीं पता जी, हैं? कर लगाते रहो मिट्टी पे मिट्टी, बड़े गोरे हो जाओगे, मेरे जैसा काला तो गोरा नहीं हो सकता, कर लगा दो कुछ भी। क्या है, मिट्टी तो है, इस पे और मिट्टी पोत रहे हो। सरल हो जाओ, सादे हो जाओ। मैंने जब महाराज जी की जीवनी पढ़ी और महाराज जी को जाना, उनका सानिध्य किया, तो सबसे पहला गुण जो मुझे मिला उनसे, जिससे मेरी लाइफ बहुत इजी हो गई, वो थी सादगी। तो तीन गुण है उनके अंदर, एक सेवा, एक भक्ति। मैं आपको और सिंपल कर देता हूं, आप कहोगे भाई इतनी लंबी बात कह रहे हैं तैयार होने पर, ये वो जरूरी है क्या? हाँ, अब सुनिए बात को, आप किसे रिझाना चाहते हैं वही आपका भविष्य तय करेगा। अगर आप धनी को रिझाना चाहते हो तो धनी तो कह रहे कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू, सब श्रृंगार को शोभा देवे, जब तू श्रृंगार करेगी तो सब शोभा देंगे, लेकिन मेरा दिल बांध दिया तो जिसो सादगी से, सिंप्लिसिटी से। तो आप जिसे रिझाना चाहते हैं उसी को तो पाएंगे जीवन में, वही तो निर्धारित करेगा। तो आप जब श्रृंगार करते हैं तो आप माया को रिझाना चाहते हो, तो फिर माया ही पाते हो ना। मैं बच्चों को ये बात ज्यादातर जब यूथ की क्लासेस लेता हूं तो उनको समझाता हूं, आप श्रृंगार कर रहे हैं कचड़े को रिझाने के लिए, फिर कचड़ा जब अट्रैक्ट होकर रिझता है तो फिर क्यों परेशान होते हो कि भाई मुझे इसने परेशान कर दिया, या इसने मेरा रास्ता रोक दिया, या उसने मेरे से बदतमीजी करी। तुमने ही तो चाहा था, क्योंकि राज्य तो बाहरी श्रृंगार से रिझते नहीं, उसके लिए तो अंदर का श्रृंगार करना है, उसके लिए तो बिरहा चाहिए, उसके लिए तो वैराग्य चाहिए, उसके लिए तो सादगी चाहिए, उसके लिए तो सेवा, वो तो अलग ही श्रृंगार है, तुम उस तरफ तो ध्यान ही नहीं दे रहे, फिर क्यों कंप्लेंट करते हो? जब आप हीरे की अंगूठी पहनना चाहते हो, सोने की चेन पहनना चाहते हो, ये कोई अच्छा सिग्नल नहीं देता, ये लोभ प्रकट करता है। इसको देखने वाला आपकी सुंदरता की प्रशंसा नहीं करता या प्रभावित नहीं होता, कहता यार कैसे मैं हड़प लूं, कैसे इसको मैं। और वही, इसीलिए बड़े बड़े राजे महाराजाओं के सर उनके बच्चों ने कलम कर दिए, क्योंकि जो उनके पास था वो लेना चाहते थे। और वही एक संत सीधे सादे कपड़ों में चलता है और सबसे सुंदर लगता है, और उनके साथ कभी कोई ऐसा, उनको भी देखकर कोई चाहता है ना कि मैं इसको ले लूं, तो उसके लिए वो सेवा करता है, गले नहीं काटता। मैं डायमंड की एक रिंग पहन के घूमता था पहले, मेरी शादी में मुझे मिली थी और मेरा भाव था कि मैं इसको नहीं उतारूंगा, लेकिन एक बार कहीं ट्रेन में जा रहे थे, मेरे को चिंता हुई कि भाई कोई खींच लेगा, मैं हाथ ऊपर करूं तो पीछे कुछ शरारती तत्व मुझे नजर आए और मुझे लगा ये खींच लेंगे। अब मैं हाथ नीचे करूं तो मैं कहूं राज्य पे क्या विश्वास है मेरा हाथ ऊपर करूं तो बार बार चिंता हुई कि खींच लेंगे। तो मैं पूरे ट्रेन ऐसे ऐसे ही करता रहा, और राज्य से मैं बात कर रहा हूं, मैं कहा भाई खींच भी सकते हैं, क्योंकि वो सुंदर साथ का मैंने तीन दिन पहले तो प्रसंग सुना है कि वो चेन खींच दी उनकी ट्रेन में किसी ने, वो गला भी छिल गया, बल्कि मैं कहा छीन तो सकते हैं, मैं कैसे क्या करूं बताइए। लेकिन मैं जब आया, मैं राज्य के सन्मुख बैठा, महाराज जी के सन्मुख बैठा, और मैंने कहा मुझे इस बात का निर्णय कीजिए कि आपके होते मैं इतना परेशान हुआ तो हुआ क्यों, ये तो बहुत शर्मनाक बात है कि आपके होते मुझे इतनी चिंता हुई। लेकिन मेरे को चिंता हो रही थी, जेन्युइनली हो रही थी, क्योंकि ये भी नहीं सोच सकता कि नहीं होगी, क्योंकि खींची है चेन किसी और की। तो महाराज जी ने कहा भाई हमारी तरह घूमो, निश्चिंत रहो, हमारी की तरह सब उतार फेंको। वो दिन है आज का दिन, मैंने ना कभी गले में चैन पहनी, ना कभी हाथों में अंगूठी पहनी, और मस्त घूमता हूं। महाराज जी ने ये नहीं कहा भाई मैं हूं ऐसा नहीं होगा, हो सकता है उतार के घूमू। तो तुम ये संसार को रिझाओगे तो कचरा ही तो रिझेगा।
एक सुंदर साथ बहुत सोना चांदी पहनता है, बड़ी महंगी महंगी घड़ियां पहनता है, फिर क्या होता है? कोई जेब ही तो काटेगा, आपको देख के किसी को चोरी करने का दिल करेगा, और एक संत को देखकर ध्यान करने का दिल करता है। अब आप दोती बताइए, आप क्या बनना चाहते हैं? आपको देख के कोई अशांत हो या कोई शांत हो? एक भोगी को देख के सामने वाला भी रोगी बनता है, भोगी बनता है, और एक संत को देख के सामने वाला संत बन जाता है। तो भक्त बनिए। पहला गुण था सेवा, दूसरा गुण था भक्ति, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट नम्रता। इसके बिना नहीं कहीं पहुंचेंगे आप। अधिकतर सुंदर साथ सब कुछ कर लेता है, यहां आकर हार जाता है, फेल हो जाता है। हम अपने बच्चों से विनम्रता से बात करें, हम अपने पति पत्नी अपने स्पाउस से विनम्रता से बात करें, हम अपने माता पिता से विनम्रता से बात करें, आगे ध्यान दीजिएगा, आप अपने नौकर से विनम्रता से बात करें, आप एक रिक्शा वाले से विनम्रता से बात करें, तब जाके कहीं आप ब्रह्म सृष्टि कहलाने लायक हैं। वाणी क्या कहती है? जिनकी जैसी बुजुर्गी जुबां होते हैं तिन माफक। आपकी जितनी बड़ी औधा होता है उतनी जैसी आपकी जिभ्या होनी चाहिए। राम अवतार में जब शिव धनुष तोड़ दिया गया सीता स्वयंवर में, तो परशुराम जी ने आके बर्छा दिखाया और कहा किसने शिव धनुष तोड़ा? तो लक्ष्मण जी ने पूरे ताव में बोला, कहते ऐसे गांडीव तो हमने बाल्य अवस्था में खेलते खेलते कई तोड़ दिए। कहते अच्छा, नन्ना सा बालक होके मुझको जबान चलाता है, तुझे पता है मैं कौन हूं? मैं परशुराम हूं, क्षत्रिय विहीन कर दी धरती मैंने कई बार। तो भगवान राम कहते हैं, आपका धनुष आपके ही किसी भक्त या दास ने ही तो तोड़ा होगा। उन्होंने फिर क्रोध में बोला, उन्होंने फिर विनम्रता से उत्तर दिया। जब ऐसा तीसरी बार हुआ तो परशुराम जी कहते हैं कि ये तो किसी मनुष्य का काम नहीं है, इतनी विनम्रता तो भगवान में ही होती है, तो हो ना हो ये युग भी वही है, पर भगवान विष्णु का जो है अवतार लेने का समय है, ये भगवान विष्णु ही है। इसी तरह से जब भृगु ऋषि ने छाती पर पांव मारा भगवान के, तो उन्होंने क्या बोला कि हे मुनिवर, मेरी छाती सख्त है, आपके पांव कोमल है, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? ऐसा व्यवहार देखते ही ऋषि चरणों में गिर के क्षमा मांगने लगे, परशुराम नमन करने लगे। विनम्रता का आप उदाहरण देखे तो प्रस्तुत तो कीजिए, सामने वाला झुक जाएगा। सुंदर साहब जी, मैं अपने जीवन के अनुभव से बता रहा हूं। अब आप कौन है? ये तो भगवान विष्णु की बात हुई, आप उससे ऊपर योग माया और उससे ऊपर परम धाम अक्षरातीत की अर्धांगनी है। ब्रह्म सृष्टियां केवल मंदिर आश्रम तक सीमित ना रह रहे। अगर आप ब्रह्म सृष्टि हैं तो आप घर में भी ब्रह्म सृष्टि हैं, अकेले में भी, लिफ्ट में भी, सड़क में भी, बाजार में भी, तब जाके कुछ पाएंगे आप। नम्रता सीखे, विनम्रता सीखे। बड़ा वही है जो छोटों को अच्छे से ट्रीट करता है, अपने से गरीब से, अपने से कमजोर से नम्रता से बात करें। सेवा, भक्ति और नम्रता, ये तीन चीजें लिख ली आप लोगों ने, इसी से मिलेंगे, इससे मिले सतगुरु महाराज। सतगुरु को रिझाना, सतगुरु रूप में राज्य को पाना आसान नहीं है। जो आप चाहते हो कि बड़े महाराज जी की तरह आपको भी श्री राज, क्योंकि दादा गुरु के लिए महाराज जी क्या लिखते थे पता है? कहते थे छिपा भेष प्रीतम का। ये प्रीतम ही है, छिपे बैठे हैं, जाहिर नहीं होने देते, और ऐसे छिपकर बैठे हैं कि आप सोचिए दादा गुरु के परिवार, उनका गांव कोई जान ही नहीं पाया कि वहां पारब्रह्म साक्षात बैठे हैं। एक महाराज जी को दर्शन हो रहे हैं। क्यों दर्शन हो रहे हैं? क्योंकि दिखा दिया परम धाम, मृतक को जीवित करके दिखा दिया, साक्षात राज्य के दर्शन करा दिए, हृदय में बैठा दिए। तो ऐसा तो सिर्फ श्रीराज जी कर सकते थे, तो वो जान गए कि साक्षात राज्य है, ये छिपा भेष। लेकिन उसके लिए ये तीन गुण आपके अंदर होने चाहिए।
मैं सिर्फ 5 मिनट और लूंगा घड़ी से, तो कोई बैठक ना छोड़े। जिस प्रकार गुरु भक्ति की श्री राम रतन महारा, आजकल के जो शिष्य हैं वो अलग है, एडवांस समय आ गया जी, अब तो नाराज भी होते हैं, बुरा भी मनाते हैं। और सरकार साहब कई बार क्या होता था कि ऐसे सुंदर साथ को डांट देते थे जिसकी गलती नहीं है, और सारा दिन परेशान है, बाद में पूछता है महाराज जी मैंने तो ये किया भी नहीं था, आपने मुझे क्यों डांटा? तेरे भाई क्योंकि तेरे साथ वाले को नहीं डांट सकता था, उसको डांटता तो वो आश्रम छोड़ के चला जाता था। इसलिए वो पंजाबी में कहावत होते ना, वो सुनाना धीनू कहना नूनू, नहीं सुनाना धीनू सुन और कहना ऐसे कुछ है जी, मतलब बेटी को सुनाते और सुना एक्चुअल में बहू को रहे होते हैं। तो ऐसा भी सुंदर साथ है, आज का सुंदर साथ वो है जो अगर देवचंद्र जी मुख पर कपड़ा कर लेते ना, वो कहते ऐसे कैसे कपड़ा कर लिए, 4 साल आपके कहने पर रहकर आया हूं, नहीं या तो भेजते ही नहीं, विश्वास नहीं था तो, नहीं नहीं आप ही गलत हो। मेरे सामने की घटना, एक सुंदर साथ किसी को कहकर गए, किसी गुरुजन को मेरे सामने ही बोल रहे, करे आप गुरु हो सकते हो, सदगुरु नहीं हो सकते, आप में वो गुण ही नहीं है, वो ही उनको वो दे रहे हैं, डिग्री दे रहे हैं। लेकिन सुंदर साथ जी कहते हैं पानी पीजे छान के, सदगुरु कीजिए जान के, ठीक है। एक 5 रुपए का मटका भी लेता है तो आदमी 10 बार बजा कर देखता है, पानी डाल के देखता है कहीं लीक तो नहीं, फिर लेता है। सदगुरु बहुत बड़ी बात है, तो पहले शिष्य परीक्षा लेता है गुरु की, अच्छे से ठोक बजा के, हर एक किसी को ना बना लीजिए। और लेकिन एक बार परीक्षा ले ली तो फिर पूर्ण समर्पण। उसके बाद अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि श्री जी ने कहा 12 मोमिनों को जाओ औरंगजेब को संदेश दे के आओ, तो हम और आप होते तो लड़ने लगते, अच्छा भेजा आपने, आपको नहीं पता था औरंगजेब नहीं जागेगा, आप तो अक्षरातीत हो, है हमें वहां पिटवा दिया, दोबारा ना भेजना ऐसी जगह। हमारा ये संस्कार है, ये हमारा स्तर है, और ऐसे इस स्तर से हम चाहते हैं राज्य मिल जाए, नहीं होता। अरे सुंदर साधक सदगुरु से छोड़ो तो राज्य से लड़ता देखा मैंने, अरे राज्य ही नहीं ले जाना चाहते, हम तो जाना ही चाहते हैं राज्य को ही, अरे राज्य ने मार दिया दुख देख, अच्छा पकोड़े खाए तूने, कोलेस्ट्रॉल राज्य ने बढ़ाया इसलिए तेरा घुटनों में तकलीफ है, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार के अधीन हम रहे, वाणी हमने नहीं पढ़ी, जिंदगी हमने टीवी देखते गुजारी है, और दुख हमें राज्य ने दिए, सदगुरु ने दिए, बताइए। और इसीलिए ऐसा नहीं कि हम ही गलती कर रहे हैं, श्री जी के समय में भी ऐसे महापुरुष हुआ करते थे, और जिसको फिर श्री जी को लिखना पड़ा वाणी में कि बुरा चाहे तिनका जिन बताई धाम की राह। लेकिन अगर आप वाकई कुछ पाना चाहते हैं ना सुंदर साथ जी, तो झंडू दत्त बनिए। वो क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार गुरु भक्ति की पूर्ण समर्पण, श्री राम रतन महाराज सोई कथा गुरु भक्ति की सुनो साथ चित ले आए। धनी को पाना है तो गुरु को रिझा लो, क्योंकि गुरु रिझेंगे, सदगुरु रिझेंगे ही उसमें, जिससे तुम्हारा लक्ष्य और आगे बढ़ता है। सतगुरु दक्षिणा से नहीं रिझते, सतगुरु आपके समर्पण से रिझते हैं। आप कितना वाणी मंथन करते हैं, आप कितना चितवन करते हैं, आपके हृदय में कितना बिरहा है, इससे सतगुरु रिझते हैं। आप जितना ये करते जाएंगे आप उतना उनको खुश पाएंगे। कितनी कितना समर्पण है, जैसे माँ बाप नहीं होते सुंदर साथ जी, मैं इजी एग्जांपल लेता हूँ। माँ बाप किस बात से खुश होते हैं, जब बच्चा पढ़ाई करता है, दिन रात शरीर तोड़ पढ़ाई करता है, तो माँ बाप खुश होते हैं ना। तो अगर माँ बाप को रिझाना है तो क्या करना है, पढ़ाई करनी है। अब ऐसा क्यों करते हैं वो, क्योंकि तुम पढ़ लोगे तो कुछ बन जाओगे। ऐसे ही
सतगुरु को रिझालो राज्य मिल जाएंगे। सतगुरु को रिझाए बिना किसी ने राज्य को नहीं पाया। क्यों? सतगुरु गाइड कर रहे हैं ना आपको राज्य कैसे मिलेंगे। वो खुशी इस बात पे होता है, अच्छा तेरा ये चैप्टर हो गया, अरे वाह वेरी गुड, आज मेरे बच्चे ने पूरा चैप्टर कर लिया, आज तुझे ये पसंद है, मैं ये बनाऊंगी, ये खिलाऊंगी, ये करूंगी। ऐसे ही सतगुरु खुश होते, अच्छा आज तूने ये पार कर लिया, मैं बड़ा खुश हूं। अच्छा आज तूने क्रोध को पार किया, आज तूने लोभ को पार किया, आज तूने अहंकार को प्राप्त पार किया, बड़ा खुश हूं, बड़ा खुश हूं। बोल तुझे क्या चाहिए। तो गांठ बांध लो, धनी को पाना है तो सतगुरु को रिझालो। उसके लिए चाटुकारिता नहीं चाहिए, हामे हाँ मिलाने वाली बात नहीं हो रही है। आप इसको संसारिक तरफ ना ले जाना, सतगुरु को रिझाना है। सच्चे सदगुरु रिझते हैं जो मैंने आपको लक्षण बताए, उनसे, आपकी सेवा से, आपके वाणी मंथन से, आपके चितवन से, आपके बिरहा से रिझते हैं। जितना आपके अंदर सत्य को पाने के लिए जागरूकता होगी, जितना आपके अंदर दर्द होगा, वो उतने खुश होते हैं। भीड़ में वही अच्छे लगते हैं सुंदर साथ जो इस स्थिति में है। जो लाखों करोड़ों सेवा देते हैं उनसे कुछ नहीं, लाखों देने वाले लाखों मिलते हैं। उसमें ना कोई बड़ाई समझिए आपको, क्योंकि वो कहते हैं मैं खुद ही जेब में डालता हूं और खुद ही भाव पैदा करता हूं और खुद ही ले लेता हूं। ये तो खुद ही डालेगा, खुद ही भाव डालेगा और खुद ही ले लेगा। अब राजा राम झांझन भाई की जेब के तो छोटे कारखाने थे ना, खुद ही तो राज्य ने बड़े किए और सेवा ले ली। छत्रसाल महाराज जी की तो आय इतनी भी नहीं थी कि अपनी सेना को दे सके, खुद ही तो उनको शफकत बरकत दी और सेवा ले ली। इन तीन गुणों से हम सदगुरु रिझते हैं और उनको रिझाओगे तो ही राज्य को प्राप्त कर पाएंगे आप। अब प्रताप जी कहते हैं, भाई जो जिस तरह से बड़े महाराष्ट्री ने प्राप्त किया, मैं वही आपको वही कहानी में सुना रहा हूं जिससे आप भी पा सकते हैं। ये वाली लाइन, ये वाली जो चरण है मुझे सबसे प्रिय है। सोई कथा गुरु भक्ति की, सुनो साथ चित लिया। चित लेके, चित देकर, उस किस तरह से रतन बाई ने धनी को पाया, गुरु की सेवा करके, गुरु के समर्पण करके, उस कथा को तुम चित लेके सुनो। जो श्री राम रतन मुख से कही, थोड़ी लिखी बनाए। प्रताप जी कह रहे भाई उन्होंने कही है, थोड़ी बहुत मैंने बनाई है, थोड़ा बहुत इसको पद को बनाने के लिए जो इसको कविता रूप दिया है वो थोड़ा बहुत मैंने बनाया, बाकी कहने वाले स्वयं श्री राम रतन महाराज जी हैं। ठीक है, इतना ही स्वीकार कीजिएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आज के जो पहली लहर का मंगला चरण था सुंदर साहब जी, ये बहुत भारी था। यही एक्चुअल में महाराज जी का चरित्र का दर्शन है। यही वो बुलेट पॉइंट्स हैं जो हमारे जीवन में हमें काम आएंगे राज्य को प्राप्त करने के लिए। मैं इस एक महीने में आपका 1.5 घंटा पूरा लूंगा और उसमें एक एक पॉइंट इसमें से चुन चुन के, वो जैसे मर्जिया होता है ना, गोता लगा कर गहरे पानी में मोती चुन चुन कर निकालता है, ऐसे में गहरा गोता लगा के इसमें जो जो मेन पॉइंट्स आपको दूंगा इस एक महीने के अंदर, वो अगर आपने लिख लिए, अपने दिल पर अंकित कर लिए, तो राज्य मिल जाएंगे, गारंटेड मिल जाएंगे। वो असंभव कार्य संभव हो जाएगा अगर हम महाराज जी के पग चिन्हों को समझकर उस पर चल पड़े तो। ठीक है, आज हम महाराज जी से थोड़ा बहुत मिले हैं, कल और खुलकर मिलेंगे, कल उनका बाल्यकाल आएगा। किस तरह से महाराज जी अपने पिताजी के कंधे पर बैठकर मेले में जाया करते थे, किस तरह से सिर्फ 8 वर्ष की आयु में अपने पिता को वो खो देते हैं, किस तरह से केवल 13 वर्ष की छोटी आयु में अपनी माता जी को भी खो देते हैं। और हमें महाराज जी के दुख को जानकर पता लगेगा कि हमारा दुख कितना छोटा है। अगर वो इतने दुख को सरवाइव कर सकते हैं और राज्य को पा सकते हैं, तो हम किस बात के लिए रो रहे हैं। तो आपके अपनी दुखों पे ना मरहम सा लगेगा, दवाई लगेगी कल। तो सुंदर साथ कल समय से पहुंचे, आप सब सुंदर साथ की आत्म जागृत हो, हम सब सुंदर साथ को धनी के दर्शन हो, सत्य के दर्शन हो,
मैं हृदय से ये चाहता हूँ कि हम सब की आंखों में अगर आंसू हो तो राज्य के लिए हो, दिल में दर्द हो तो राज्य का हो, क्योंकि ये हेल्दी है, ये सही है। हमारी आंखों में माया के लिए आंसू ना हो, दिल में माया के लिए दर्द ना हो, क्योंकि ये अनहेल्दी है। हम सब की आत्म परमधाम में विचरण करे। महाराज जी को उन्हें पता है जो सदैव सत्य में वास करते हैं। परम हंस राम रतन महाराज श्री कौन है जो सदैव सत्य में वास करते हैं, जिनकी श्वास श्वास में सत्य है, श्री राज है, मूल मिलावा है, परम धाम है। हम सबके भी जीवन में ऐसा शुभ दिन आए, शुभ घड़ी आए कि हमारे भी पल पल विचरण सत्य में हो, इसी का प्रयास हम इस एक महीने में करेंगे। प्रणाम जी, प्रणाम।